अयोध्या में कई वर्षों बाद बनने वाले राम मंदिर बनाने में हर व्यक्ति की नेक कमाई लगे, इसके लिए विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रदेश भर में सहयोग राशि एकत्र करने के लिए अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि विभिन्न संगठनों द्वारा लोगों को राम मंदिर के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही घर घर जाकर टोलियां मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्र करेंगी। प्रदेश भर में विश्व हिंदू संगठनों द्वारा अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है। वहीं छोटी काशी मंडी में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों सहित विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों को भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा का कहना है कि प्रदेश के लगभग 13 लाख परिवारों को इस अभियान से जोड़ना है। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है ताकि मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस दिशा में पूरे देश के अंदर हिंदू संगठनों ने निर्णय लिया है कि 55 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, लगभग 4.5 लाख गांव तक पहुंचना है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 13 लाख परिवारों तक पहुंच करके 55 लाख हिंदू भाइयों से योगदान हो, हिंदू परिवारों का योगदान हो, तो इस दिशा के अंदर हम कार्यरत हैं। पंचायत स्तर तक लगभग 3000 समितियां इसकी हमारी टोलियां बन गई हैं और 20,000 कार्यकर्ता धन संग्रह के इस जो अपना समर्पण निधि है इस अभियान के अंदर समर्पण निधि संग्रह के लिए लगे हैं। लेकिन पूरे समाज के अंदर वातावरण बने इसलिए यह जन जागरण का, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, अयोध्या में मंदिर कब क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी बात हम समाज के सामने रख रहे हैं और समाज का बहुत उत्साह वाला वातावरण है, समाज का पूर्ण सहयोग इस कार्य के लिए मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा उत्साह सभी कार्यकर्ताओं के अंदर भी है, समाज के अंदर भी है और सारा हिंदू समाज मिल करके इस कार्य के अंदर लगा है।